दोस्तों मेहरबानो कदरदानो क्या आज हम बात करने वाले हैं चेल्सी की ऑब्वियसली आज हम चेल्सी की बात करेंगे तभी मैंने ये शर्ट पहनी है इवन दो आर नॉट ए चेल्सी फैन और क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड की थी कि चेल्सी की जो है एक वीडियो लेके आओ भाई क्योंकि जब मैंने लिवरपूल की वीडियो बनाई थी तो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे यूट्यूब पे हर जगह आपने डिमांड की कि चेल्सी की वीडियो लेकर आओ और बताओ हमें कि कौन सी पांच ट्रांसफर्स जो है वो करनी चाहिए चेल्सी को तो उसी पर आज हम बात करें यही मुद्दा है आज का तो स्टार्ट करते हैं डिपार्चर्स से डिपार्चर्स जो है वो चेल्सी के बहुत सारे हुए हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि फोर्टी प्लेयर्स जो थे वो चेल्सी के स्क्वाड में थे और प्रीमियर लीग में इजाजत कितने की होती है पच्चीस प्लेयर्स की इजाजत होती है भाई क्यों इतना ज्यादा तुम लोगों ने जो है ओवर किया हुआ है अपने स्क्वाड को और अपने रोस्टर को कम करो भाई कटाओ कटाओ और इसी वजह से जो है वो कटौती हो रही है और तेरह प्लेयर्स जो हैं वो चेल्सी जो है वो बेच चुकी है जिसमें कोबासिच है जिसमें मेसन माउंट है जिसमें एंगोलो कांटे है अभी ओबा को भी बेचने वाले हैं और एस पिलिकवाटा जो है वो जा चुका है फ्री ट्रांसफर पे एथलेटिको मेड्रिड तो बहुत सी ऐसी जो इन्होंने साइनिंग्स की हैं बारह तेरह साइनिंग्स हैं जो कि हो चुकी हैं और अब ऐसा लग रहा है कि जो बहुत से प्लेयर्स हैं वो तेरह क्योंकि चले गए हैं और आप समझ लो कि पूरी जो मिडफील्ड है पूरी जो मिडफील्ड है उन्होंने उठा के बेच दिए तो ये एक बहुत बड़ा जो है इशू आने वाला है चलसी की लेकिन मिड फील्डर्स की चेल्सी को भी ज़रूरत पड़ेगी और शायद एक राइट विंगर की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अब उनके पास सिर्फ दो राइट विंगर्स रह गए जिसमें कि एक जियेक है और एक नोनी मेडविके है तो ये जो है कुछ ऐसे आप समझने

रन है उसको ओरिजिनेट करता है ही स्टार्ट ऑन द लेफ्ट फ्लैंक और एज एन लेफ्ट विंगर ही करेगा जैसे आप समझ लो डार्विन डारोनस करता है एंड ही ड्रॉप्स डीप और फिर वो जो है अपना एक रन बनाता है सेंट्रल जोन के अंदर और डीप ड्रॉप करके यानी कि जो बिटवीन द लाइन्स वाली जो जगह है वहां पर ड्रॉप इन करके पासिस निकालने की कोशिश करता है और फिर जो रन हैं यू नो लाइन ब्रेकिंग रन है वो डालने की कोशिश करता है तो ये इसके कुछ ट्रेड्स हैं ही लाइक्स टू ड्रॉप डीप और जब ड्रॉप डे भी करता है तो वो फिर कोशिश करता है कि जो उसके साथ हाफ विंगर्स हैं वो उसकी हेल्प करें और वो भी साथ में रन बनाए एंड ताकि जो डिफेंस है उसको खोला जा सके तो ये इसके कुछ ग्रेड्स हैं ही इज़ एन आउट एंड आउट स्ट्राइकर ये मेरे ख्याल से चेल्सी में ओनली आउट एंड आउट स्ट्राइकर जो है वो अभी तक आया है निकोलस जैक्सन और ये एक बहुत ही सेंसिबल ट्रांसफर नगरी है और एक बहुत ही मज़े की ट्रांसफर नगरी है जो कि चेल्सी को फायदा दे सकती है और थर्टी मिलियन यूरोज ओनली ये बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं हो सकता साथ में हम जानते हैं क्रिस्टोफर एनकोको पहले से एक चेल्सी प्लेयर था वो लाइविक में खेल रहा था और अब वो वापस आ गया एंड लाइव में वो लोन पे था वो वापस आ गया वो एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर नहीं है वो हम सब जानते हैं एक सेकंड स्ट्राइकर है और सेकंड स्ट्राइकर के तौर पे ही वो खेलेगा एनकोको इज अ प्लेयर जो कि एक सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर के तौर पे खेल सकता है सेकंड स्ट्राइकर के तौर पे खेल सकता है और uh, आपको ये नजर आएगा इसमें काफी टाइम कि ही विल आल्सो ड्रॉप डीप लेकिन ही कैन रन एट यू ये हैवर्ट्स का टाइप का सेकेंड स्ट्राइकर नहीं है ही नोज हाउ टू रन एट द डिफेंडर ही नोज हाउ टू चैलेंज द डिफेंडर और अगर आप इसकी गोल कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे मैंने जो अभी जो पिक्चर है ये मैंने एथलेटिक्स से जो एक आर्टिकल था वहाँ से निकाली थी तो गोल कॉन्ट्रीब्यूशन आप देखें सबसे ज्यादा जो है वो क्रिस्टफर एनको का है उसकी लाइन सबसे ऊपर है तो असिस्ट और गोल सबसे ज्यादा इसने किए हैं लास्ट सीजन और इवन तो ये चेल्सी के लिए खेल भी नहीं रहा था तो इवन देन इट हैज बीन अ ब्रिलियंट Uh, फिर अगला जो इनका प्लेयर है Diego Marera, वो एक कह रहे हैं, लेकिन वो लेफ्ट तो को कुछ होता है या को कुछ होता है, तो ये लड़का वहां पे खेल सकता है अठारह साल का ये नोंडा है और ये जो है ये बेनफिका की जो बी टीम है वहां से इन्होंने साइन किया है तो थ्री साइनिंग्स अभी तक हुई है एंजेलो जो है वो एक ऐसा स्ट्राइकर है जो कि सेंटोस के लिए 129 ट्वेंटी कर चुका है पाँच गोल मार चुका है और दस असिस्ट कर चुका है तो ये एक और ऐसी साइनिंग हो सकती है जो कि फिफ्टीन मिलियन यूरो के अंदर एंजेलो जो है ये बड़ी आराम से आ जाएगा एंड ये चेल्सी की फोर्थ साइनिंग हो सकती है इस समर दूसरा एक पांचवा प्लेयर है जिसके पीछे ये लोग जा रहे हैं वो है रायन चर्की रायन चर्की जो है एज अ फॉल्स नाइन खेल सकता है सेंट्रल अटैकिंग मिड खेल सकता है एज अ सेकेंड स्ट्राइकर खेल सकता है राइट विंग लेफ्ट विंग दोनों खेल सकता है तो बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर है उन्नीस साल के और हीट मैप में भी पता लग रहा है कि हाफ स्पेसिस में खेल सकता है और एक सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर के तौर पे बहुत आराम से खेल सकता है और चेल्सी को एक सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि चकवा मेका इनके पास एक कैम है जो कि एज अ कैम खेल सकता है और एक गैलगर है जो कि ये बेचना चाह रहे हैं बट वो भी एज अ कैम खेल सकता है तो अभी चेल्सी ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना कटौती करनी है अपने इसको ट्रेम करने के लिए स्क्वाड को ट्रेम करने के लिए ताकि 25 मैन स्क्वाड हो जाए चेल्सी ने अभी तक काए हैवर्ट्स जो है वो भी बेच दिए है सेवेंटी मिलियन यूरोस का आर्सेनल को एंड अभी

क्रिश्चियन पोलिस एसी मिलान जा चुका है डेविड फोफाना जो कि इनका एक सेंटर फॉरवर्ड था वो भी लोन पे जा चुका है आउट ऑन लोन वो भी यूनियन बर्लिन चला गया है एंड टीमों बकायो को भी छोड़ के जा चुका है जाओ फिलिक्स लोन ख़त्म हो गया वो जा चुका है एंड डेनिस जकारिया जो है वो भी जुवेंटस लोन उसका ख़त्म हो गया वो भी जा चुका है तो ये काफ़ी सारी जो है ना इन्होंने मतलब ओ एन एक्स पे ना चेंसी इस बेच रही है ओ एन एक्स पे बस रख रही है और गैरी जीत भेजा माए प्लेयर क्योंकि वो ये है कि स्क्वाड आड ट्रिम करने उनकी मजबूरी है

सफोकेट करना है अटैकिंग फुटबॉल खेलनी है एंड लिंकअप uh, बहुत अच्छा होना चाहिए बिटवीन द डिफेंस एंड द द अटैक एंड मिडफील्ड वो उनको एक चाहिए एंड ही बिलीव्स इन यू नो प्रेस फ्रॉम द फ्रंट के, के जरिए से वो डिफेंड करना चाहते हैं ही वॉन्ट्स टू डिफेंड फ्राम द फ्रंट तो वो उस तरह के प्लेयर्स उनको चाहिए और मुझे लगता है कि माइकल से जो क्रिस्टल पैलेस का ये लड़का है ये ये कर सकता है वन ऑन वन टेक टेकऑन इसके बहुत अच्छे हैं लॉन्ग शॉट्स बहुत अच्छे हैं इस लड़के के एंड uh, इसका मैंने एफ बी से स्टैट्स निकाले हैं तो उसमें आप देख सकते हो कि इसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन हैं और बॉल प्रोग्रेशन है वो भी बहुत अच्छी है एंड धागे खोलने इस लड़के को आते हैं तो उन्नीस इज दैट प्लेयर जो कि मैं चाहता हूँ कि फोर टू थ्री वन में एक राइट विंगर के तौर पे नेक्स्ट सीजन जो तेईस चौबीस का सीजन है उसमें चल सी की दिखेंगे गोलकीपर की बात करते हैं गोलकीपर में एक ही नाम मेरे दिमाग के अंदर आता है इंटर मिलान का ये जो गोल कीपर है जो कि अभी चैंपियंस लीग फाइनल दिखे चुका है नाना जो है ही कैन बी यूज लाइक एडिसन जैसे एडरसन जो है उसको मैनचेस्टर सिटी यूज करती है इसकी बॉल प्लेंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छी है और काफी अच्छे तरीके से ये बॉल को कलेक्ट भी कर सकता है सेव्स बहुत अच्छे करता है वन वन ऑन ही ही इज़ इज़ गुड गुड वेरी विद द फील्ड तो मुझे लगता है केपा के ऊपर के तो ये एक अपग्रेड होगा टैसे निकली होगा सेंटर बैक पे आओ तो एक सेंटर बैक की भी शदीद जरूरत है चर्सी को सेंटर बैक में आई थिंक इंटर मैदान का एक और प्लेयर है जो कि मेरा बहुत फेवरेट है और आई वुड से कि जो सेंटर बैक है वो होना चाहिए बेस्टोनी बेस्टोनी बी ऑन नो ही इज़ प्रेटी गुड एरियरिंग भी बड़ा अच्छा है बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफ़ी हेल्प कर सकता है जो लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें आई थिंक ही इज़ बेटर देन बेडिया सीने और बेडिया जीने पर मुझे कोई मतलब एतराज़ नहीं है ही वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैग लेकिन उसको मैं ये समझता हूँ कि उसको अभी क्योंकि वो नैफ्ट फुटेड है तो शायद उसको सेंटर बैक पेयरिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत हो और हमें पता है कि थियागो सिल्वा ने तो शो शॉर्ट स्टार्ट करना ही है तौर पे जो फर्स्ट हाफ सीजन का उसमें तो थियागो सिल्वा ही होगा और बैक फोर के साथ जाने वाला है हमारा जो जटिल पोचटिनो है तो रीस जेम्स और चिल्वेन के साथ मुझे लगता है जो दो सेंटर बैक पेयरिंग हो सकती है वो आई थिंक uh, एक तो थियागो सिल्वा एंड बेस्टोनी अगर आप खरीद लेते हो तो वो एक बहुत ही अच्छी सेंटर बैक पेयरिंग हो जाएगी पीछे आपके पास बेंच में बैठा होगा बैट गया शीड और नेवी कोलवेन को भी मैं नहीं समझता कि चेल्सी को बेचना चाहिए आई थिंक नेवी कोलवेल हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर और वो एक बहुत अच्छा चेलसी का प्लेयर बन सकता है लेकिन चेल्सी एडमेंट है कि उसको बेचेगी और निवरपूल भी कोलविंद के पीछे पड़ी है सो आई एक्चुअली लव कोलविंद और मुझे ये जब से ब्राइटन के लिए उसने थर्टीन अपेयरेंसेज किए हैं और उसका यह ब्रेकआउट सीजन रहा है कोलविन का मुझे लगता है कि उस लड़के में जो उसकी बॉल प्रोवेशन है वो बहुत अच्छी है डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है ही कैन बिकम द नेक्स्ट जॉन स्टोन्स इसमें मुझे कोई शक नहीं एक सुपर स्टार बन सकता है चेलसी के लिए आप अगर मैं आओ अब डबल के अंदर तो आई थिंक दो नाम आते हैं मेरे जहन में एक है अब का प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए हंड्रेड मिलियन यूरो तकरीबन देने पड़ेंगे और काफी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो अगर काइसीडो नहीं आता इनके पास और हमें पता है कि काइसीडो विद एनजो विल बी द बेस्ट फिट फॉर चेंसी इन दैट डबल पिविट बहुत स्ट्रॉन्ग डबल पोविट हो जाएगी अगर काइसीडो आता हैं लेकिन अगर काइसीडो नहीं आता वो हाथ से निकल जाता है इवन दो चेल्सी बहुत ज्यादा तेजी से पुज पुश कर रही है काइसीडो के लिए जो कि उनके लिए जॉर्जिनियो वालम टाइप का प्लेयर हो सकता है, है, जान, है, है, है जो कि एसी मिलान से साइन कर सकते हैं दो प्लेयर्स ऑलरेडी आप लोग एसी मिलान को भेज चुके हो तो एसी मिलान से आप एक प्लेयर वापस भी लेके आ सकते वो हो वो बैरेसर हो सकता है जो कि सेमीफाइनल खेल है अभी यूसीएल में एंड आई थिंक ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि आ गया अगेन इसकी भी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है और दूसरा ये कि ये भी बॉल को अच्छे तरीके से रिसाइकल कर सकता है हाँ कभी कभी इसका इशू ये होता है कि बॉल को ये बहुत आसानी से लूज कर देता है गेस इसका प्रॉब्लम है ये इसकी एक वीकनेस है बट ये एक ऑप्शन हो सकता है अगर कैसीडो चला जाता है ही विल ऑब्वियसली बी ये डाउन ग्रेड ऑन का लेकिन बैनिसर एक ऑप्शन बड़ा अच्छा हो सकता है अगर आपको चीप ये लड़का चाहिए मेरे ख्याल से थर्टी फाइव मिलियन तक आप इसको एक्वायर कर सकते हो थर्टी मिलियन तक तो वो एक है अब रायन चर्की की भी बात हो चुकी है रायन चर्की जैसे कि मैंने बताया ए, एक नंबर टेन रोल में खेल सकता है तो स्ट्राइकर्स तो आ गए हैं ऑलरेडी जेंसी के पास स्ट्राइकर्स हैं और लेफ्ट विंग पे भी हमें पता है कि स्टर्लिंग हैं वोड्रिक हैं और अब इन्होंने एंड भी है वो भी वहाँ पर खेल सकता है एनजेनो कैन ऑन प्ले देयर और इनका जो मोरेरा है वो भी वहाँ पर खेल सकता है तो एक और स्ट्राइकर है जो कि मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूंगा वो है जोनाथन डेविड जोनाथन डेविड जो है वो एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर है और अगर लीगान में आप इसके स्टैट्स देखें तो ये चौबीस गोल मार चुका है चार जिसने किए हैं और थर्टी सेवन मैचेज में ये खेला था और थर्टी सिक्स आई थिंक इसने स्टार्ट किए थे तो ही इज अ प्र गुड प्लेयर और चार बार मैन ऑफ द मैच भी रहा था उस सीजन तो जॉनिथन डेविड कैनेडा से है एंड ही इज अराउंड ट्वेंटी थ्री ईयर्स ओल्ड यंग प्लेयर है और बहुत आराम से मॉरिसनों की जो फिलोसफी है उसमें इंटीग्रेट हो सकता है और डेवलप भी हो सकता है तो एक रॉ प्लेयर तो नहीं आई थिंक ही स्टिल नॉट अ फिनिश्ड आर्टिकल अभी भी मुझे लगता है उसमें डेवलपमेंट हो सकती है तो आई थिंक जॉनिथन डेविड जैसे कि हम सब जानते हैं कि लीन के लिए खेलता है और लीन के साथ लीग आन जीत भी चुका है फ्रेंच लीग जीत चुका है ये एक ऐसा स्ट्राइकर हो सकता है जो कि चेल्सी के लिए बड़ा ही फायदा मंद हो सकता है तो क्या चेल्सी इसके पीछे जाएगी आई थिंक नॉट क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने औरे एक सेकेंड स्ट्राइकर साइन कर लिया है एनकूकू की शक्ल में और जैक्सन साइन कर ली है ऑलरेडी एज अ स्ट्राइकर जो कि हो सकता है उनका एक नेक्स्ट स्टार बन जाए तो लेट सी के क्या होता है आई होप वो नंबर नाइन शर्ट ना रहे क्योंकि वो जो नंबर नाइन शर्ट है वो एक बोगी नंबर है चेल्सी के लिए चेल्सी फैंस को ये पता है लेकिन आई थिंक मोरसी अपॉचुटिनो की अगर हम एक उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि मुझे वो प्लेस चाहिए जो कि चेल्सी के लिए लड़ने के लिए तैयार हो दे आर रेडी टू यू नो गो थ्रू द ब्रिक वॉल फॉर मी मुझे ऐसे प्लेस नहीं चाहिए जो कि मीडियाकर हो और यहाँ पे नहीं रहना चाहते जैसे ओबा में आ गया वो यहाँ नहीं रहना चाहता सबको पता है लकाकू को आपको बेचना होगा वरना वो ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब करेगा एंड आई थिंक नकाकू डेफिनेटली हैज़ टू गो वरना चेल्सी की जो ड्रेसिंग रूम है उसमें पॉइजन के अलावा कुछ भी नहीं पाएगा तो आई थिंक यू हैव टू सन एन और यही मेरा इसके ऊपर पर्स्पेक्टिव है यही कुछ साइनिंग स्टेज जो मैं समझता हूँ कि चेल्सी कर सकती है और ये है मेरी स्टार्टिंग एलेवन नेक्स्ट सीजन के लिए फॉर चेल्सी तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि अगली जो पांच ट्रांसफर्स हैं मैं किस क्लब के ऊपर कर तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो हस्तना विस्ता।